शायद मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। ये रही मेरे वर्क एक्सपीरियंस की लिस्ट। तुम जॉर्ड मेंटेनेंस की हेड हो? अभी के लिए मुझे लगता है मैं आगे पढ़ने और तुम्हारी लैब में काम करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो इस वक्त मैं कई तरह के नए इक्विपमेंट्स डेवलप कर रहा हूँ। जैसे कि रेड रेंजर के लिए चीता क्लॉस, उनमें चीता डीएनए डाला गया है। चलो शुरू करें भाई। मैंने और बेटी अभी उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। आई होप तुम रेडी हो। सबसे पहले हरी सब्जी, टमाटर, मिर्ची। नाइस, इतना ही है। पता नहीं ये रोबोट्रॉन को मार पाएंगे या नहीं, पर इन्होंने मजेदार सैलेड जरूर बना दिया। बस चटनी की कमी है। लो पकड़ो। सॉरी, गलती हो गई। टेस्टी है। शायद तुम्हें ऐसे असिस्टेंट की जरूरत है जिसे असली ट्रेनिंग मिली हो। वो दोनों किसी काम के नहीं। थैंक्स मेगन, नहीं जल्दी ही अपने लिए लैब असिस्टेंट चुन लेगा। आने के लिए थैंक्स। बाय बाय। नेक्स्ट प्लीज। हेलो, चाहे जो हो जाए नेट की अगली असिस्टेंट मैं ही बनूंगी। ग्रेट, थैंक्स सो मच। तुम निकी रेव की नई मूवी रिवेंज ऑफ द हाइड्रा वर्म देखने आए हो? हाँ। मैं भी। तुम्हें हाइड्रा वर्म मूवीज पसंद है? अमेजिंग। एक साईफाई फिल्म देखकर मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता है। एक असिस्टेंट ढूंढना थकाने वाला काम है। अच्छा है कि तुम मेरी मदद कर रही हो। नो प्रॉब्लम। तो आई गेस हम इसे साथ में देखेंगे। फिनोमिनल। ऑसम। और मैं बिजली की तरह टेलीपोर्ट हो गया। मार कॉइल मुझे पकड़ ही नहीं पाया। अब चुप रहो और मिलो मेरे नए रोबोट्रॉन से। ये तो बस एक कोचीबोट्रॉन है। मैं हूँ ट्यूबोट्रॉन 2.0। इसमें नया क्या है? कुछ नहीं अब तक। ट्यूबोट्रॉन को पावर अप करने वाला तुम्हारा प्लान चौपट हुआ, पर मेरा नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक चीज मिली है बड़ी इंटरेस्टिंग। तुमने उसे चुराया? तुम रहो कीड़े कहीं के। क्या मिला है तुम्हें? ये जो भी है ढेर सारी एनर्जी से भरे हुए हैं। वो फ्यूरी सेल्स है। पूरे यूनिवर्स में बस इतने ही बचे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? खामोश, मैं उनकी ताकत महसूस कर रहा हूँ। उन्हें इस्तेमाल न करना बेवकूफी होगी। इस रोबोट्रॉन को पावर अप करो और डेंजर्स को खत्म कर दो। यही प्लान है मास्टर बॉस। और जो आईबॉल वाला सीन, हाँ, काफी डरावना था। जैसे वो हाइड्रो। मुझे पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? रुक जाओ। पर रेंजर्स का आपस में रिश्ता होना रूल्स के खिलाफ है। ओ, ये तो कमाल हो गया। ओके, अब पकड़ो। ऑलमोस्ट। अब चले। हाँ। ये लो, आज थोड़ी ठंड है। थैंक्स। चलो चले। कमांडर ने कहा सिग्नल इस प्लाजा से आया था। रोबोट्रॉन। ए, ये तो पिछले वाला जैसा ही है। शायद उनके पास और आइडियाज नहीं बचे। कुछ ही देर में तुम मजाक करने के काबिल नहीं रहोगे। अब देखो ताकत एक फ्यूरी सेल की। उसके उस फ्यूरी सेल ने तो रोबोट्रॉन को पावर अप कर दिया। तुम्हारा इरादा जो भी हो, हम उसे नाकाम करके रहेंगे। मॉर्फ करने का वक्त आ गया। एक्टिवेट बीस्ट पावर। Unleash the beast! देखो मेरा कमाल!
मर गए? काफी नहीं। वो फ्यूरी सेल था सर। ट्रांसपोर्ट बीस्ट एक्सेल। एक साथ। मैं कुछ भी खास नहीं है जूबा। शॉट लगाते हो? रवि। भाग कर रहे हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और उसने मेरे सेबर को किसी काम का नहीं छोड़ा। उस फ्यूरी सेल ने उस रोबोट्रॉन को अल्ट्रा पावरफुल बना दिया। हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। ट्रोनिक्स। हम उन सेल्स को तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। आप ये लो। छोड़ो इसे। नहीं। रो, यही सही मौका है। सॉरी, मैंने तुम्हें इसे लेने नहीं दिया। वो मेरा है। तुम्हारा था, अब हमारा है। ज्यादा देर तक नहीं। अब देखो मेरी धुन की ताकत। अगर सुनो अपनी आखिरी धुन। नहीं, मेरा हेलमेट। अब टूटने की बारी तुम्हारी है। Power Rangers. Go, go, Power Rangers. It's Morphin time. For justice we fight. With Beast Morphin Light. Together we rise. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, Power Rangers. Beast Morphin. मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत होगी। फिक्र मत करो, मुझे रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, देखते हैं। अब ये लो। ग्रेट टाइमिंग क्रूज, तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। डेविन, तुम ठीक हो? हाँ, पर वो ताकतवर है। अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। उससे बचो। हमें यहाँ से जाना होगा। क्रूज, जोई और रवि को ले जाओ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? जाओ, मैं पीछे आता हूँ। मैं तो उनका रीमेक्स करने वाला था। हमें सभी फ्यूरी सेल्स लेने होंगे। उसके लिए इस एवटार को खत्म करना होगा। सेबर चार्ज्ड। स्ट्राइकर बीस्ट स्लैश। कम ऑन ब्लेज, हार मान लो। तुम मेरे फ्यूरी सेल्स कभी हासिल नहीं कर पाओगे। अलविदा रेंजर्स। वो दो सेल्स ले गया, ये अच्छा नहीं हुआ। हमने पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया कमांडर। वो पावर्ड अप रोबोट्रॉन आसानी से हमारे गियर तोड़ते जा रहा था। अगर फिर से उसे सामना हुआ तो हम गए। हमें कुछ करना ही होगा। स्टील और मैंने ब्लेज का एक फ्यूरी सेल ले लिया। अगर वो इस चीज से एक्स्ट्रा पावर हासिल कर सकते हैं तो शायद हम भी कर पाएं। मैं आमा को पावर अप करने की ट्राई करता हूँ, शायद उससे हम उस रोबोट्रॉन को रोक पाएं। तो फिर तैयार हो जाओ और उस नए असिस्टेंट को काम पर लगाओ। डिसमिस्ड। तो तुमने कौन से असिस्टेंट को चुना? Honestly, मैंने अभी तक किसी को नहीं चुना। तुम्हें लोगों की मुझ अच्छी परख है, क्या तुम मेरे लिए एक चुन सकती हो जल्दी? Sure, no problem. तुम हमेशा मेरे काम आती हो। थैंक्स जॉय। Oops, sorry. It's okay. Hey Zoe, मैंने नोटिस किया कि नेट और तुम में एक स्पेशल कनेक्शन है ना? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें जल्दी से कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओके, यू नो मैं भी एक हाइड्रोवर्म फैन हूँ।
तुमने हमें रिकॉर्ड किया? वो तो बस तुम और नेट एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने... एक साथ नहीं, हम तो बस अचानक मिल गए थे। ओह हाँ, बिल्कुल। I'm sure तुमने ग्रिड बैटल फोर्स हैंडबुक सेक्शन 42C को पढ़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि रेंजर्स आपस में रिश्ता नहीं रख सकते। जानती हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए ये आसान कर देती हूँ, या तो तुम मुझे नेट की नई असिस्टेंट बना दो, या फिर मैं ये वीडियो कमांडर को दिखा दूंगी, जो तुम और तुम्हारे खास दोस्त के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, मुझे तो बस एक जॉब चाहिए। ये कैलिब्रेशन सही हो रहा है। जॉर्ड मेंटेनेंस से निकलकर इस लैब में काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। जोई को थैंक्स कहो, उसने तुम्हें रेकमेंड किया। उम्मीद है कि इस फ्यूरी सेल में मेरे बनाए हुए आमा को एक्टिवेट करने जितनी ताकत हो। ओके, ये क्लॉज फुल पावर पर टेस्टिंग के लिए तैयार है। ग्रेट, एक एक करके टेस्ट करना। मुझे बस तुम्हारे कैलकुलेशंस के बारे में कुछ पूछना है। ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा मॉर्फेक्स का यूज करना डेंजरस होगा ना? ट्रस्ट मी, मेरे नंबर सही है। तुम्हें आधी बोतल डालनी है उस क्लॉ में, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। सिर्फ आधी बोतल? आर यू श्योर? आई एम श्योर। ओके, यू आर द बॉस। ओप्स, ये क्लॉ अब तैयार है। फिनोमिनल। टेस्टिंग इन 3, 2, 1। क्या? ओह, ये तो ओवरलोड हो रहा है। ये नहीं हो सकता। वेट, अब हम क्या करें? उससे बचो। गलती नहीं है, नेट ने मुझसे बहुत ज्यादा मॉर्फेक्स डलवा दिया। एक्सक्यूज मी, मेरा कैलकुलेशन परफेक्ट था, बात जरूर कुछ और है। ऐसा लग तो नहीं रहा, बेन और बेटी को बुरी तरह से चोट लग सकती थी। रूल्स के मुताबिक मुझे ये बात कमांडर को बतानी होगी। मैंने कैलकुलेशंस रीचेक किए और नेट को बताने की कोशिश की कि वो पावर्स बहुत ज्यादा होंगे, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। नेट तो कभी ऐसा नहीं करता। जोई, क्या तुम नेट को यहाँ लाओगी? हाँ, जरूर लाऊंगी। पर बात क्या हुई है? बेन और बेटी को चोट लगने वाली थी, वो भी नेट की वजह से। कमांडर, वो बहुत ही अच्छा रेंजर है, पर उसके साथ एक साइंस लैब को मैनेज करना, ये तो किसी के लिए भी मुश्किल होगा। मेरा हम्बल सजेशन है कि आप मुझे लैब का चार्ज दे दीजिए। तुम हमारी चीफ साइंटिस्ट बनोगी? अगर खतरनाक गलतियों को अवॉइड करना हो तो। इतनी जल्दी नहीं मेगन, मैंने मॉर्फेक्स लेवल्स चेक किए और इस क्लॉ में बहुत ज्यादा फ्यूल था। मैंने आधा यूज करने को कहा था, पर मुझे ये मिला कचरे के डब्बे में। तुमने पूरी बोतल डाल दी जानबूझकर। जानबूझकर? ये बिल्कुल झूठ है। ओ, चुप रहो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इसे चुना क्यों। I'm sorry, Nate. कमांडर, ये सब मेरी गलती है। मैंने इसे चुना था, पर सिर्फ इसलिए कि ये मुझे इसके लिए ब्लैकमेल कर रही थी। ये गलत है। ये इसे बचा रही है क्योंकि मैंने इसे और नेट को एक साथ थिएटर में देखा था और इसे पता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। जोई और मैं एक साथ हैं। ओ, इनकार मत करो, मैंने इनका वीडियो भी लिया था। बस बहुत हुआ, तुमने इनका वीडियो लिया और उसे सबको बताने की धमकी दी सिर्फ एक जॉब के लिए। वैसे मुझसे छोटी सी गलती हो गई। छोटी नहीं, बहुत बड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? सिक्योरिटी, अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, जाओ।
कमांडर, हमारा एक साथ थिएटर में होना एक कोइंसिडेंस था। हम एक साथ नहीं थे, राइट जोई? आई बिलीव यू नीट। सेक्टर अल्फा 14 में रोबोट्रॉन दिखा है, वही नया वाला ट्यूबरट्रॉन। ठीक है, हमें जाना होगा। नेट, तुमने कुछ बनाया? मैंने आमा को ठीक से प्रोग्राम कर दिया है। उसका नाम होगा रेड फ्यूरी मोड। रेड फ्यूरी मोड, दैट्स ग्रेट। शायद, पर मेगन की वजह से हम उसे टेस्ट ही नहीं कर पाए। अभी उसके लिए वक्त नहीं है। वो काम करेगा नेट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। गुड लक रेंजर्स। थैंक्स, हमें उसकी जरूरत होगी। इतने सारे चीखते हुए लोग, इसका मतलब अब किसी भी वक्त वो सब। तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा? तो तुम फिर से मेरी फ्यूरी पावर देखने आ गए? नो थैंक्स, हमारे पास भी वो है, ट्रांसपोर्ट। ये देखो हमारा फ्यूरी सेल। नामुमकिन। अच्छा, देखते जाओ। एक्टिवेट रेड फ्यूरी मोड। वो नेट, बस इतना ही? और भी होगा, इसे थोड़ा वक्त दो। वक्त पूरा हुआ। वो हमला करने वाला है। हम तुम्हें कवर करते हैं। ठीक है। सुपर सोनिक ब्लास्ट। कम ऑन। यस, ये हुई ना बात। ये काम कर रहा है। कुछ हो रहा है। गाइस, कमाल हो गया। ब्रो, बात बन गई। मुझे देखने दो। अब सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी ताकत बढ़ गई है। अनलीश द फ्यूरी। अब गियर लो। नहीं समझे? इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट चीटर ग्लॉस। अब तुम्हें सबक सिखाया जाए। चीटा स्लैश। देख लिया ना, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। स्क्रॉजल, तुम्हारे फ्यूरी सेल्स तो एकदम ही बेकार निकले। रेड रेंजर ने उस रोबोट्रॉन को खत्म कर दिया। वो इसलिए क्योंकि उसने तुमसे खोया हुआ फ्यूरी सेल इस्तेमाल किया। शुक्र है मैंने नया गीगा ड्रोन बना लिया है। स्क्रॉजल सब ठीक करेगा फिर से। अल्फा मॉडल ट्यूबर ड्रोन 2.0 में मॉर्फ हो रहा है। उठ जाओ। तुमने अच्छा किया डेविल। तुमने भी नेट, रेड फ्यूरी मोड तो कमाल का है। हैंक्स, क्या हुआ कमांडर? गीगाट्रॉन आ रहा है। डेविल क्रॉस पहुंचता ही होगा। अभी रेसर जॉर्ड पर काम चल रहा है। ठीक है कमांडर, उन सोनिक ब्लास्ट ने हमारे गियर को काफी नुकसान पहुंचाया है। वापस बेस पर आओ, तुम्हारे इक्विपमेंट को चेक करना होगा। डोंट वरी गाइस, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्रूज, ये हमें करना होगा। गुड लक। आता होगा। रेसर जोन बैटल मोड। इसे तो पलक झपक के हरा दूंगा। वो मोरफेक्स टावर। मेरी सोन। सारे सिस्टम अभी भी चल रहे हैं। लगता है इस ड्रोन को रोबोट्रॉन की तरह पावर अप नहीं किया गया है। सही कहा। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट चीता बीस्ट ब्लास्टर। चलो खेल खत्म करें। Race is on. Cheetah Strike.
वायरस खत्म हुआ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? एक कैरेट जूस बिना बर्फ। और कुछ लाऊं? मैं एक विटामिन रिहाइड्रेटर लूंगा प्लीज। हाँ जरूर। मैं कहना चाहती हूँ, I'm sorry about Megan। ना जाने तुमने उसे खुद को ब्लैकमेल क्यों करने दिया। हम बस वहाँ एक दूसरे से मिल गए थे, हम एक साथ नहीं थे, है ना? बात यह है कि मैंने तुम्हें कहते हुए सुना था कि तुम वो फिल्म देखने जा रहे हो, इसलिए मैंने भी जाने का फैसला किया ताकि हम उसे साथ में देख सके। आई गेस मेरे लिए हम दोनों साथ ही थे। सच में हम साथ थे? सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, यू नो। ये तो फेनोमिनल है, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जोई। सच में? वो वैलेंटाइन्स डे फ्लावर्स याद है जो किसी ने तुम्हें भेजे थे? वो तुम थे? अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। और फिर मैंने कहा, कौन रोबोट? तुमने जरूर मुझे कोई और समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे? जाहिर है मैं तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। है वो दोनों क्या बातें कर रहे होंगे? मेगन ने कहा था वो एक साथ थे। मेरा भाई, क्या तुम्हें लगता है? बिल्कुल।